हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने थ्योरी में पढ़ा, किसी भी तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हमारे पास यहाँ एक लूप है और इस लूप के अंदर ये ब्लू कलर में इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं और ऊपर इस लूप के साथ एक बैटरी कनेक्टेड है। अभी यहाँ ये डीसी सोर्स है क्योंकि हमने बैटरी कनेक्टेड की हुई है। अब हम यहाँ से जैसे ही बैटरी के वोल्टेज को 0 से बढ़ाकर और 5 वोल्ट पे करते हैं तो आप देखेंगे कि इस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह प्रारंभ होता है, जिसके कारण धारा बहती है। और धारा बहने के कारण फैराडे के नियमानुसार यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो आपको यहाँ नीचे लाल और सफ़ेद रंग के छोटे छोटे चुंबक से दिखाई दे रहा है। तो इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं कि आप जब भी तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके आसपास के क्षेत्र में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब यहाँ से हम इस लूप की संख्या को बढ़ाकर इस चुंबकीय क्षेत्र या इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रबलता को बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ लूपों की संख्या 2 करें तो ये चुंबकीय क्षेत्र और ज़्यादा प्रबल होगा, और अगर लूपों की संख्या 3 या 4 करें तो इससे उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अब काफी ज्यादा है पहले की अपेक्षा। हम इस बैटरी की ध्रुवता को बदलकर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसके वोल्टेज को इस तरफ लेकर जाएं तो यहाँ से आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह पहले की अपेक्षा विपरीत दिशा में हो गया है, और जिसके कारण यहाँ उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी पहले की अपेक्षा विपरीत हो गई है। और बैटरी का वोल्टेज बढ़ाने से भी चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य में वृद्धि होती है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नापने के लिए हमारे पास एक कंपास है। इस कंपास को जब हम अलग अलग पॉइंट्स पर रखते हैं तो आपको यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाई देगी। यहाँ दिशा इस प्रकार है, यहाँ इस प्रकार है, यहाँ इस प्रकार, और ये इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिवर्तित होती है। अब अगर हम यहाँ डीसी स्रोत के स्थान पर एसी स्रोत को काम में लें तो आप जानते हैं कि एसी धारा समय के साथ अपने मान और दिशा दोनों को बदलती है, तो जिसके कारण आप यहाँ देखें कि तार के अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक दूसरे के विपरीत होता है। एक बार ये क्लॉकवाइज घूमते हैं और एक बार ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो जिसके कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा भी समय के साथ परिवर्तित होता है। तो इसका मतलब एसी धारा से उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तनशील होता है।